अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहीन चौधरी मिनरवा के साथ। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि कोई भी मुआशरत, कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी कल्चर कभी स्टैगनेंट नहीं होता, कभी वो रुकता नहीं, सफ़र जारी रहता है। और ये सफ़र जारी रहता है मुख्तलिफ तहज़ीबों के आने से और जाने से। तारीख जो होती है, ये जो हिस्ट्री होती है, वो बहुत दफ़ा इन्फ्लुएंस्ड भी होती है किसी भी वक्त के हुक्मरान के थ्रू। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री को खंगालते हैं, मोहनजोदड़ो की तरह मुख्तलिफ जिस तरह तहज़ीबें आती हैं वहाँ खुदाइयाँ तेशों से होती हैं, कुछ लोग अल्फाज से खुदाई करते हैं। तो आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही पर्सनालिटी से। जी हफीज़ ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतने मसरूफ़ शेड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया। आपकी किताबें तो माशाल्लाह 52 किताबें हैं, कोई मोहताज आप तारुफ़ के नहीं हैं। लेकिन जो मैं इस वक्त बात करने चाह रही हूँ, मासरे मुल्तान पे जी। इस किताब में आपने बहुत तहकीक की है मुल्तान, एंड जैसा कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर का गहवारा रहा है मुल्तान। तो उस हवाले से, मासरे मुल्तान के हवाले से कुछ सवालात में आपसे करना चाहूँगी। जी जी इरशाद, बिल्कुल। एक तो मेरे जहन में ये था कि आपने इसमें उसके पूरा जो मुल्तान की जितनी भी अवेलेबल हिस्ट्री है उस पर आपने पूरी खुदाई की, आर्कियोलॉजिस्ट आपने लफ्ज़ों की खुदाई, लफ्ज़ों के जरिए खुदाई की। तो उसमें ये जो आपने एक क्लेम किया है कि आर्या आए या नहीं आए, दिस कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट इट, फिर आपने ये भी इसमें एक दावा किया कि ये ईरान की सल्तनत का 12वां अकलीम रहा है मुल्तान, तो ये थोड़ा बताइए आप अपने इस दावे में किस हद तक जस्टिफाइड हैं। ऐसा है कि मैडम, कि जब मैंने ये तारीख़ की तरफ आया, एक तो ये कि मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स भी किया हुआ था, ठीक है, और मैंने जब तारीख़ की किताबें देखी तो हैरत हुई कि हमने हर हमला आवर के गले में हार पहनाए हैं और अपने हीरोज़ को हमने कंडम किया है। यानी कि यकीन जाने कि हमारे जो मुल्तान के हिस्टोरियन थे, उन्होंने 321 कबले मसीह में आने वाले सिकंदर मकदूनी को ये लिखा कि एक बदबख्त मुल्तानी काफिर ने उसको तीर मारा जैसे वो आगे चलकर शहीद हो गया। तो ये बातें कि 321 कबले मसीह में आने वाला और मुल्तान का हिस्टोरियन लिख रहा है कि एक बदबख्त मुल्तानी काफिर ने, तो ये वो बातें थीं कि जिस पर मैंने सोचा कि मैं खोजूं, देखूं कि है क्या। एक तो अब ये इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है या उसकी तारीख है, वो मौजूदा पाकिस्तान है जो कर रहे हैं, तो मैंने मुल्तान को ओरिएंटेशन बनाया और इस हवाले से मैंने पूरे पाकिस्तान की तारीख को खंगाला, कहाँ कहाँ मिसनॉमर्स थे, कहाँ कहाँ उसमें बददियंती की गई थी। मैं ये भी नहीं कहता उसमें मेरे तासुबात भी शामिल हो सकते हैं एक मुल्तानी होने की हैसियत से, लेकिन आप ये देखें कि मैंने इस तारीख को लिखते हुए, एक तो जो हमारा फ़न है हिस्टोरियोग्राफी का, वो मैंने मास्टर्स में पढ़ा हुआ था, उसको रखा सामने। सेकेंडली, मैंने एक जज के तौर पर भी काम किया। जैसे हमारे पास एविडेंस आती है, कौन सी एविडेंस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सी एविडेंस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप देखते हैं कि तारीख की किताबों में आमतौर पर ये नहीं लिखा होता कि मैं इस बात को क्यों रद्द कर रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं किया जाता, सिंपली कह दिया जाता है। और बाज़ुकात सुने कि ऑर्डर्स पे लिखी जाती हैं। और एक ये भी होता है ना कि आप ये कहते हैं कि जो आपने कहा वो भी गलत नहीं और जो मैंने कहा वो भी ठीक है। तो इस किस्म की जहां पर गंद मचा हुआ हो, बिल्कुल वहां से चीजों को निकालना और खंगालना। और ये जो मैंने ये थ्योरी इसमें रखी कि आर्या यहाँ हमारे यहाँ नहीं आए थे, ये यहाँ की जो मकामी इलीट थी, ये उनका खिताब तफाखुर था, अच्छा, आर्या होना। आप देखिए कि आर्या मेहर ईरान का और फिर जर्मनी में
उनका क्लेम करना कि वो भी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड की बेस पे बनाया गया था। अच्छा, तो इस पर बहुत सा भौंचाल आया, बहुत सारे दोस्तों ने, लोगों ने कहा कि ये आपने कैसा लिख दिया इसमें कि यहाँ आर्या नहीं आए। तो मैंने उन सबसे कहा कि मैंने तो इसमें तहकीक करके और साबित किया है अपने तई कि वो नहीं आए आर्या, और यहाँ के मकामी लोगों का वो टाइटल था। अच्छा, यानी आपने फिर ये किस तरह साबित किया, क्योंकि हिस्ट्री की किताबें सारी बाइस्ड हो सकती हैं। मैं करता हूँ, मैं उसमें मैंने लॉजिकली तमाम चीजों को लिया। आप ये देखते हैं कि एविडेंस को एक सीक्वेंस में करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप वो सीक्वेंस बदलते हैं तो हर चीज बदल जाती है। यानी मुसन्निफ और मुनसफ दोनों थे आपके अंदर, और वाकयात को रखा कि 500 साल, ये कौन कहता है कि 500 साल तक वो आते रहे, और अगर वो आते रहे तो उनकी जुबान कहाँ गई? जुबानें तो वही बोली जा रही है, जुबानें तो वही बोली जा रही है जो हमारे यहाँ बोली जा रही थी। और फिर उनका आना कहीं साबित नहीं होता, ये कह दिया गया कि वो आए थे। अच्छा। और उसके बारे में अब फर्ज करें, अगर वो आए थे तो उनकी यहाँ आने का क्या सबूत मिलता है? हमारी, वो कहते हैं जी हमारी शक्लें नहीं मिलती, जो दरावड़ थे पुराने यहाँ के लोग थे, तो शक्लों का नाम मिलना और बात है। फिर यू कह दिया गया कि यहाँ से उनको निकाल दिया गया और वो शुमाली हिंदुस्तान में चले गए और जाके कहीं बैठ गए। तो इन सारी बातों को जब किताब में आप रखते हैं तो उस पर सामने आता है, तो एक लंबी बहस है। और मैंने जो जो मेरे इस थ्योरी के नाकिद थे, मैंने उनसे कहा कि जिस तरीके से मैंने लिख कर साबित किया है, अब भी लिख कर मेरी बात को रद्द कर दें। अच्छा। तो आज इस किताब को 12 साल हो गए हैं, कहीं से भी किसी ने एक मजमून नहीं लिखा कि हम हफीज खान की इस बातों को इस हवाले से रद्द करते। अच्छा, ये यानी आपकी वही जो मैं बात कर रही हूँ कि मुनसिफ और मुसन्निफ जब इकट्ठे हुए, तो फिर ये ईरान की सल्तनत से आपने इसका टांका कैसे जोड़ा? देखिए, ईरान का जब वहाँ पर, ये ईरान की एक ज़माने में सल्तनत तो बहुत बड़ी थी, और उसकी जो अकलीम सूबा उसका या रहा है जब उनका इस पर कब्जा था, तो ये होता रहा है कि यहाँ पर जितने हमला आवर आते रहे, पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ हमला आवरी क्यों होती रही। हमारे यहाँ सराकी में कहते हैं कि ये राज कज की धरती थी। चलें जी, राज कज के क्या आगे बयान आता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेते हैं एक वक्फा और फिर हफीज़ खान साहब से बात करते हैं, जो कि इस वक्त माशाल्लाह 52 किताबों के मुसन्निफ भी हैं और पाकिस्तान जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर भी। जी, वेलकम बैक। और मोहम्मद हफीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम मौसम से भी लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं, और ज़रा पूछते हैं कि उन्होंने रज कज की क्या बात की थी। जी, रज कज से मुराद ये है जी, रज होता है पेट भर खाना। जी बिल्कुल। और कज होता है कि आपके सर पे छत है, आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपका बदन कजा हुआ है। कजा सराकी में कहते हैं कि ढांपा हुआ है। हाँ। तो ये रज कज की धरती थी। हमारे यहाँ खेत बिल्कुल, और हमारे यहाँ जानवर बेतहाशा, दूध देने वाले, गोश्त वाले, फरबा जानवर, तो ये चीज हमारी मार्केटें भरी हुई, हमारे आर्टिजान काम करने वाले बेतहाशा लोग, और रेल पेल दौलत की, तो ये चीजें अट्रैक्ट करती थी हमलावरों को, बिल्कुल, कि वो यहाँ आए, हमलावरी करें और फिर से यहाँ पर कब्जा करें। अब उन लोगों ने क्या जुल्म किया जो हमलावर थे? वो आते ही पहले हमसे हमारा हाफजा छीन लेना चाहते थे। अच्छा। वो कहते थे इनकी मेमोरी मिटा दो ताकि ये अपने अपनी तारीख से और अपने माजी से कट जाएं। और मेमोरी मिटाने के लिए क्या करते थे कि वो जो हमारे उलमा होते थे, आलम फाजिल लोग, उनको कत्ल कर दिया जाता, लाइब्रेरियों को आग लगा दी जाती, मदरसों को जला दिया जाता जहाँ से इल्म फूटता। सिर्फ वो लोग जो उनके काम आ सकते थे, हुनरमंद लोग, दरबारी सरकारी लोग, ताकि दरबार चलते रहें, बिल्कुल, और बाजार चलते रहें, उन लोगों को जिंदा रखते ताकि ये काम होता रहे और उनको वो पैसे, और यहाँ से बेतहाशा लोगों को गुलाम और कनीजे बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में वो बेचते थे
जो उनकी उस वक्त की इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा ये बताएं, ये तो बड़ी चंद्रगुप्त मौर्य आया, बहुत सारी यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य तो यहाँ के थे बिल्कुल, मतलब मुल्तान साइड पे भी उनकी सल्तनत फैली। मोहम्मद बिन कासिम आया दीबल के रास्ते, ठीक है, सिंध के रास्ते, लेकिन मुल्तान में उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, सूफी आए एक तरह, बहुत कुछ। अब ये देखे ना कि हमने एक और बात जो मैंने हिस्ट्री में देखी कि हमारा हीरो कोई नहीं है। हम हीरो वर्शिपर तो बहुत ज्यादा हैं। हमारा यहाँ हमारी तारीख में कातिल भी हमारा हीरो और मक्तूल भी हमारा हीरो। अब मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम अरब लोगों को साथ लेकर आया। उसके बाद जब महमूद गजनवी आया, महमूद गजनवी ने किसी अरब को नहीं छोड़ा और उसके इसी रवैये की वजह से अरब लोगों ने अपने पेशे चेंज किए। उन्होंने सिपाहगरी से अपने आप को काश्तकार बना लिया ताकि उससे बच सके। उसने कोई अरबी नहीं छोड़ा। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भी हमारा हीरो और महमूद गजनवी भी हमारा हीरो। फिर महमूद गजनवी की जो जितनी आल औलाद थी, जो उसके थे हुक्मरान थे, उन तमाम को शहाबुद्दीन गौरी ने मारा। अच्छा ये शहाबुद्दीन गौरी भी हमारा हीरो कोर्स है, ठीक है, ये तो एक हिस्ट्री का कोर्स है, लेकिन आई थिंक ये वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ये वो थ्योरी है। ये दुनिया में आप कहीं भी हिस्ट्री उठा के देख लें, दैट इज द इशू। अब आप मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे इस्लाम फैला, चाहे वो नॉर्मली लोग कहते हैं तलवार के ज़ोर से, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस इलाके में सूफिया और मुल्तान एक ऐसा एरिया था कि जहाँ पे सूफिया बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है, फिर सराय की बहुत सारी हमारी सूफिया जिनका कलाम भी है, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने इस कल्चर पर, जब आप ये हिस्ट्री लिख रहे थे मासरे मुल्तान, तो उसमें आपने उनको क्या पोर्ट्रे किया? क्योंकि देखिए लोगों के दिलों में वो बसते थे, जो हुक्मरान आए जिन्होंने हमलावर थे, इन्वेडर्स थे, वो आते जाते रहे, लेकिन सूफिया यहाँ पे टिक गए और उन्होंने कल्चर में बहुत चेंज लाई, तो क्या आप उनको हीरो नहीं समझते? सूफिया का रोल मुख्तलिफ है। सूफी हमारे यहाँ उस किस्म के थे के जो दरमांदा दिलों पर फाया रखते थे, उनके जख्मों को हीलअप करते थे। बिल्कुल, जितने लोग थे हमलावरी के डसे हुए या हमलावरी की जरबात तले आए हुए, दरबार के अताब तले आए हुए, वो लोग सारे फ़कीर के हुजरे में, सूफी के हुजरे में बैठते थे और वो जैसे ना मायनी में किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल, ये सारी वो अपना हाल वहाँ जाकर बयान करते थे जहाँ वो सूफी से कह सके। तो सूफी का जो रोल है ना, वो एक स्पिरिचुअल हीलर के तौर पर भी हमारे सामने आता है कि वो लोगों को रूहानी तस्कीन देते थे और उनमें जीने की आस बनाते थे। सूफी का सबसे बड़ा रोल जो मैं देखता हूँ सब कॉन्टिनेंट में और हमारे यहाँ भी, कि सूफी ने यहाँ के लोगों के दिलों में जीने की आस को मरने नहीं दिया, उसने जीने की आस को बाकी रखा। ये ऐसा फिनामिना आपको और कहीं नज़र नहीं आता। जी चलिए व्यूअर्स, चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर हफीज़ साहब से पूछती हैं, उनकी कुछ और जितनी 52 बुक्स हैं और उन्होंने तमगा इम्तियाज भी जीता हुआ है और उनकी दो किताबों ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी लिया है, थोड़ी सी उन पे भी बात करते हैं। वेलकम व्यूअर्स, मिनर्वा में फरहीन चौधरी आपके साथ गुफ्तगू हो रही है हफीज़ खान साहब के साथ। जी हफीज़ साहब, ये बताइए, ये किताब तो एक हवाला है आपसे मुलाकात का, आपने माशाल्लाह 52 किताबें लिखी, उनमें कल्चरल भी है, लिटरेचर भी है, उसमें तहकीक भी है और फिर ये हिस्ट्री वगैरह, तो क्या ये आपके जहन में बस जो आता है आप लिखना शुरू कर देते हैं? आपने नॉवेल भी लिखा तो, या यू प्लान फॉर इट कि अब मैंने इस सब्जेक्ट पे लिखना है? तो मैंने कभी प्लान नहीं किया, बेसिकली मैं फिक्शन का बंदा हूँ। जी मैंने आगाज़ किया था कहानी लिखने से। अच्छा, और मेरी कहानियाँ उस वक्त के जो जरायत थे, जब मैं एफएससी में पढ़ता था उसमें शाया होती थी, जो डाइजेस्ट होते थे वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा। और सच्ची बात है कि मैंने आलमी अदब के तराजम भी डाइजेस्टों से पढ़ के मैंने देखा कि आलमी अदब है क्या वहाँ के, और फिर उसकी तरफ गया और फिर मैं ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ भी गया कि ओरिजिनली वो कैसे लिखे गए। तो फिक्शन से मैं आया ड्रामे में, जब मैं रेडियो से वाबस्ता हुआ तो रेडियो पे ड्रामा लिखने वाला बावलपुर रेडियो नया बना था, वहाँ खास तौर पर सराकी ड्रामा लिखने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ सराकी ड्रामा भी लिखा, उर्दू भी लिखा, फिर रेडियो मुल्तान पे लिखा। और जब मैं फिर प्रोड्यूसर बना तो फिर स्क्रिप्ट्स भी लिखे दूसरे फीचर्स वगैरह के। लेकिन ये मुझे कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब लग रहा है जी, कि आप मीडिया से रिलेटेड रहे जी, आप राइटर क्रिएटिव
और उसके बाद जज भी, क्योंकि जजमेंट एक बड़ा मुश्किल और खुश काम है। मैंने जिंदगी में ना ये सोचा कि जो कुछ मुझे हासिल करना है वो मुझे हासिल करना है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, उसमें जो स्पैन है उस स्पैन को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब मैं 24 घंटे में से तकरीबन 20 घंटे काम करता हूँ। मैं अब भी, मेरी वो रूटीन बनी हुई है कि 4 घंटे और मैं अपनी नींद आमतौर पर गाड़ी में सोते हुए घर आते जाते हुए पूरी करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि चाहे मैंने नावल लिखा, चाहे मैंने अखबारात में कालम लिखे, चाहे मैंने अखबारात में मजामीन लिखे, मैं तहकीक की तरफ गया, मैं तनकीद की तरफ गया, मैंने शख्सियात पर काम किया, तो इतना सारा काम करने के बाद मुझे लगता है कि कहीं कुछ रह गया अभी। और जो आपकी दो किताबें जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड 89 और 90 में कंसेक्यूटिवली मेरी दो सराकी की किताबें थी, एक ड्रामो का इंतखाब था, नाम क्या था, काशतिया माड़ियाँ 89 में, और वेंदी रोदी शाम कहानियां थी वो 1990 में। तो ये ज्यादा तो आपका सराकी में काम है। मेरा सराकी में काम थोड़ा है। अच्छा, मेरा काम उर्दू और अंग्रेजी में ज्यादा है, लेकिन मैंने मौजूआत सराकी रखे हैं अपनी अपनी धरती से, अबलाग के लिए अपनी मट्टी से कि उनका अबलाग हो सके। मेरी सराकी अफसानों की किताबें 3 हैं, मेरे सराकी ड्रामों के मजमूए 5 हैं, माशाल्लाह, और उसी तरह तनकीदी मजामीन की भी 2 किताबें हैं। लेकिन मैंने ये किया है कि जो मेरी उर्दू किताबें भी हैं ना, उसमें उनका जो मौजू है, सब्जेक्ट है, वो अपने एरिया से, अपनी धरती से जुड़ा हुआ है, और वो जेन्युइन एक आपके अंदर का एक सराकी बोलता है, ताकि एक अबलाग हो, हाँ, अबलाग लोगों तक पहुंचे। और मैं सबसे पहले इस बात में बिलीव करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जबरदस्त, पाकिस्तान है, नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान आपका मेन घर है, उसके बाद ही मेरा, लेकिन जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में आपकी ज्यादा एसोसिएशन हो, आपका जो बेडरूम होता है तो सराकी खिता आपका बेडरूम है, इसे ऐसे वो मेरा ओढ़ना बिछोना, मेरे दाएं बाएं, मेरे ऊपर नीचे, और मेरे कमरे में एक बेड है और बाकी सारे बुकशेल्फ हैं और उनमें किताबें किताबें हैं। जुनूनी तमाम राइटर्स ऐसे होते हैं, मुफ्ती जी का भी ऐसा था। जुनून के बगैर मैं समझता हूँ तख्लीक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बिल्कुल। तख्लीक का जो बुनियादी अंसर है वो जुनून है। व्यूअर्स, आपने मोहम्मद हफीजुल्लाह खान जो इनका पूरा नाम है, उनकी बातें सुनी, और मैं पर्सनली, कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बर्मला इसका इजहार करती हूँ, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनके आप किरदार से, अमाल से और अफाल से वाकिफ़ होते हैं, और आपको लगता है कि दुनिया शायद ऐसे ही लोगों के दम से कायम है, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंड मिनर्वा की जो अगला एपिसोड है उसके साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।